قال الله تعالى في كلام مجيد وبرهان مشيد خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وقال الله تعالى في شأن حبيبه مغفرا وعافيا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما السلام علیکم سیدی یا رسول اللہ وعلیٰ آلہ وصحابہ سیدی یا حبیب اللہ السلام علیکم سیدی یا امام الانبیاء والمرسلین وعلیٰ آلہ وصحابہ سیدی یا فاطمہ النبی اللہم صلی علی نور الزلامی اللهم صل على مفتاح دار السلام اللهم صل على شفيع جميع الانام بعد الزمن بدرگاہ مجدود مسرور کائنات فخر موجودات نور مجسم شفیع معظم رحمت دو عالم حضرت احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ معزز سامعین حاضرین علماء کرام وارثانی منبر و محراب اصحاب اہل بینش اہل محبت و طریقت محبیب اللہ حضرت علامہ پیر غلام مصطفیٰ صاحب صدیقی جلالی سرپرست جماعت جلالیہ ضلع لاہور محبیب اللہ عزیز محرم علامہ حافظ حبیب احمد جلالی محبیب اللہ قاری محمد فقیر حسین مدنی جلالی جلسہ کی جماعت جلالیہ ضلع لاہور اور دیگر اسٹیج پر جلوگر قابل قدر شخصیات خانوادہ صدیقی کے مقتدر افراد آج کی یہ بابرکت اور نور پرور تقریب صحیح خطیب اسلام مجاہد آل سنت حضرت علامہ مولانا غلام مرتضیٰ صاحب صدیقی جلالی صدر جماعت جلالیہ ضلع لاہور کے ختم چہل شریف کی تقریب سعید ہے اور ہم سب دعائے مغفرت کے لیے حاضر ہیں. اللہ رب العزت حضرت کے درجات کو بلند سے بلند تر فرمائے. آمین. اللہ رب العزت نے انسان کو کیوں تخلیق فرمایا اور اسے زندگی کیوں عنایت فرمائی گئی, اس پر موت کیوں تاریخ فرمائی جاتی ہے. شاید ہم سمجھتے ہوں کہ ہاں ہمارے ہاں کوئی عزیز پیدا ہو تو اس کے لیے ولادت ہوتی ہے کہ ہم خوشی منائیں جشن منائیں, یہاں تک کہ بعض اوقات خوشی مناتے ہوئے ہم اللہ رب العزت کے احکامات کو بھی بھول جاتے ہیں. اور جب کوئی ہمارا عزیز پیارا تعلق والا دنیا سے جاتا ہے تو اس کے جانے کا یہ سبب نہیں کہ ہم اندوہ یا غم کا شکار ہوں, نہ ہی اس کے جانے کا یہ سبب ہے کہ ہم اس کے حزن اور غم کے اندر اللہ رب العزت کے احکامات کو بھی بھول جائیں, بلکہ اللہ رب العزت نے زندگی بھی ہمیں اس لیے عطا فرمائی
मौत भी इसलिए कार्य फरमाता है लिया बुआ को मैयो को महसन मामला ताकि तुम्हें आजमाया जा सके, ताकि तुम्हें परखा जा सके, ताकि तुम्हें जांचा जा सके। अय्युकुम अहसनु अमला, तुम में से कौन अच्छे अमल वाला है। मौजूद सामीन, मालूम हुआ कि ये जिंदगी अता फरमाना दुनिया की और फिर मौत तारीफ फरमाना, इस सारे का मकसद आजमाइश है, इब्तला है और ये दुनिया दारुल इम्तिहान है। इसके अंदर ये इम्तिहान होता है कि कौन है जो अहसन अमल की दौलत को अपने सीने में समा के ले गया, कौन है जो खैर और भलाइयों वाले आमाल अपने नामे आमाल में लिखवा के गया, कौन है जिसने शरीयत मोहम्मदिया की गुलामी में अपनी जिंदगी गुजारी, कौन है जिसने सुन्नत नबी की इत्तेबा में अपनी जिंदगी गुजारी, कौन है जिसने खशियत इलाहिया में अपनी जिंदगी गुजारी और कौन है जो हिदायत के रास्ते पर न चल सका, गुनाहों की आलूदगी के अंदर रहा, उससे जरायम का इंतकाम होता रहा, उससे मासीयत होती रही, सिर्फ इस बात को परखने के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें जिंदगी भी इनायत फरमाई है और फिर हमें मौत भी अता फरमाता है। आज इस हस्ती का खत्मे चेहरम शरीफ है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इंसान की सआदतें और शकावतें पहले ही लिख देता है और ये कितना अल्लाह रब्बुल इज्जत का कर्म हुआ कि जब विलादत हुई तो एक दीनी घराने के अंदर हुई, दीनी घराने में आंख खोली, शर्मो हया वाली वालिदा का दूध पिया और किस कदर आगोश के अंदर तरबियत पाई, जहां कुरान मजीद की लोरियां मिलती थी, तिलावत कलाम मजीद की लोरियां मिलती थी, जहां असीरा बुद्धा शरीफ की लोरियां मिलती थी। इस अंदाज में आंख खुली, तरबियत पाते रहे और बख्शिश किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इब्तदाई जिंदगी के अंदर ही ऐसा मुबारक अमल अता फरमा दिया, इफ़्से कुरान की दौलत से मारा माल हुए। सिर्फ अपनी बख्शिश नहीं, हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ऐसा हाफिज कुरान जो कुरान मजीद पर अमल भी करता है वो अपनी सात पुश्तों की बख्शिश करवाएगा। मौजूद सामीन, इस कदर दौलत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अता फरमाई कि देखिए हम जैसे लोग अल्लाह की बारगाह में अपनी बख्शिश की दुआ करते हैं, अपनी मगफरत की दुआ करते हैं, अल्लाह के हुजूर माफी मांगते हैं और वो इंसान कितना सआदतमंद होगा, वो कितना नेकबख्त होगा जिसकी बख्शिश की दुआ हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई होगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रब ताला की बारगाह में अर्ज किया, अल्लाहु आशिल अइमा वग़फिर मुअज़्ज़िरीन, या इलाहल आलमीन मेरी उम्मत के अइमा को हिदायत अता फरमा और आज़ान देने वालों की मालिक बख्शिश फरमा। ये सिर्फ हजरत की फजीलत नहीं अर्ज कर रहा, हम देशों के लिए भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ के ज़ुमरे में आने का सबब यह बन सकता है कि हम अपने उलमाए किराम से आज़ान सीखें, आज़ान कहने का शौक पैदा करें और जब आज़ान दे लेंगे तो यकीनन हम भी उस जमात के अंदर शामिल हो जाएंगे जिस जमात के लिए सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बख्शिश की दुआ मांगी। मौजूद हाज़रीन, वक्त इंतहाई तंग है, नमाज असर का वक्त हो चुका है। इख्तिसार से अर्ज करता जाऊं कि हजरत के यहां आमाल सालिया की दौलत किस कदर के खुद सिर्फ आलिम नहीं, हाफिज नहीं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐसा फजल भी दिया जिसे इल्मे दीन की दौलत से भी मालामाल किया, इसे कुरान की शहादत भी हासिल थी और ये कितना बड़ा कर्म है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरे जद्दे आला हजरत हाफिजुल हदीस रहिमहुल्लाह की वसातत से, आपके तवस्सुल से वो मुबारक निस्बत भी अता फरमाई जिस निस्बत के बारे में हुजूर इमाम रब्बानी
अयूब जमानी हुजूर मुजद्दद अल-फैसानी शेख अहमद सरंदी फारूकी रहमतुल्लाह इरशाद फरमाते हैं मबदा व माद के अंदर कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको इल्का फरमाया और उस इल्का के अंदर यह इरशाद फरमाया कि ऐ शेख अहमद गफरतुल्लाह हमने आपके लिए बख्शिश फरमा ली है किसकी जो आपके तल्लुक वाले वास्तेदन बगैर वास्ता दी जो आपके बराह रास मुरीदीन है उनकी भी बख्शिश फरमा दी है और जो आपके दिल वास्ता मुरीदीन है आपके सिलसिले के लिए उनकी भी हमने बख्शिश फरमाई। इतनी बड़ी शहादत नस्बत आरें हासिल कर लेता है लेकिन नस्बत को उस अमानत का अमीन बनना वो बहुत बड़ी बात है। हजरत मौलाना गुलाम मुर्तजा सिद्दीकी साहिब रहमतुल्लाह वो थे कि उन्होंने निस्बत सिर्फ हासिल नहीं की निस्बत को सब भागा भी है। मेरा ताल्लुक हजरत हाफिज़ुल हदीस रहमतुल्लाह से तीसरी खुश से हजरत का पोता हूँ लेकिन जब से आपके मुसल्ला पर बैठा हूँ मैं हैसियत मुरीद दरगाह के साथ मुतअल्लक की हैसियत से हजरत मौलाना रहमतुल्लाह की शख्सियत से पूरी तरह मुतमईन था। आपकी वफा को भी देखा मोहब्बतों को भी देखा आपके ताल्लुक और नाते को भी देखा। वो क्या कहते हैं भरन से हेतियां रंगा रंग घड़े भरिया ओदा जानिए जेदा तोड़ चढ़े। तो ये इस बात पर गवाही है कि आखिरी जिंदगी के मराहल के अंदर कभी तो सिद्दीक़ अकबर कॉन्फ्रेंस की तैयारियों के अंदर मसरूफ है और कभी मदीनतुन नबी पर हाजिरी के लिए मसरूफ अमल है। मैंने लम्हा लम्हा देखा वो साथी और पीर भाई थी जो जिंदगी को आखिरी अय्याम में मदीनतुन नबी में आखिरी तीन दिन मुआजा शरीफ के सामने मुलाकात करते रहे हर मरहला में अपनी मफरत के लिए भी दुआ होते पीर भाइयों के लिए भी दुआ होते हता के उस पीर भाई को यह कहते आए कि जितने दिन मेरे बाप तुमने मदीना शरीफ रहना है रोजाना मेरा सरकारे दो आलम सुसम की बारगाह में सलाम भी पेश करना है और मेरे लिए दुआ भी करना। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सदर आजी अता फरमाई तवाफों की दौलत अता फरमाई उसने अमल की दौलत अता फरमाई हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस बात पर बुशारत इनायत फरमाई। चूंकि आपकी बारगाह अक्दस में सवाल किया गया मतसात कयामत कब होगी तो हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछ लिया क्या आमाल खैर को कितना जमा कर लिया है कि हम कयामत के बारे में पूछते हो तो अर्ज की हुजूर और कोई अमल नहीं सिर्फ आपकी मोहब्बत तेरे दिल में मौजूद है। तो जब ये बाप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह मुंजा फिजा सुनाया जो जिससे मोहब्बत करता है कयामत के दिन उसी की संगतों मैयत में मौजूद होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत हजरत के दरजात को बुलंद फरमाए और इस बात पर मैं गवाह हूं कि हजरत हजरत हाफिज़ुल हदीस रहमतुल्लाह की मोहब्बत पर जिंदगी भी उन्होंने गुजारी और इसी पर रब तआला ने उन्हें मौत भी अता फरमाई और दुआ वो हूं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उन्हें कयामत के दिन भी लिवाए हाफिज़ुल हदीस रहमतुल्लाह के नीचे जगह अदा फरमाए।